अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता है करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी जितने मेहमान ने आना था सब आ चुके हैं, बाकी किसी का भी इंतज़ार कीजिए बगैर। क्लास को शुरू करते हैं। आज का बेसिक टॉपिक है कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। हमने दो सॉफ्टवेयर के बारे में स्टडी करनी है, एक तो MS ऑफिस है, दूसरा इनपेज है। बेसिक ये दो सॉफ्टवेयर हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने दे दिया था सबको, आई थिंक सबने डाउनलोड कर लिया होगा। जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह से सॉफ्टवेयर ओपन होगा। ये सामने मैं डेस्कटॉप पे ले हैं सॉफ्टवेयर का, कॉपी हो लेने में थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ऐसे ही सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड करना है, इस पर आपने डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपने यहाँ पे कर्नल पे सेकंड नंबर पे एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपने इधर से इसे पाथ देना है कि क्लिक करने के बाद आपने इधर इसे पाथ देना है कि किस जगह पे आप अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं। पाथ यहाँ पे मैं डेस्कटॉप का दे देता हूँ, आप अपने हिसाब से अपनी किसी भी फाइल का पाथ भी दे सकते हैं या डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, जिस जगह पे अपनी फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये एक्सट्रैक्ट होने में इधर थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा उसके बाद आपके सामने डेस्कटॉप पे या जिस जगह पे जिस फोल्डर में आपने अपना ही फाइल एक्सट्रैक्ट की होगी उधर आपका एक फोल्डर नया बन जाएगा। ये फोल्डर मेरा डेस्कटॉप पे न्यू आ गया, फोल्डर देख लें। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ये सेम वही फाइल है जो फाइल मैंने आपको लिंक के जरिए दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे सबसे लास्ट में सेटअप का ऑप्शन है, आपने सेटअप पर डबल क्लिक करना है, तो यहाँ से यस कर देना है। ये ऑफिस आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे, इंस्टॉल नाउ और कस्टमाइज। आपने कस्टमाइज इसे नहीं करना, आपने डायरेक्ट इसको इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे इंस्टॉल होने में ये 4 से 5 मिनट लेगा। इतनी चीज की अगर किसी को नहीं समझ तो मुझसे पूछ सकते हैं। अभी ये यहाँ पे टाइम ले सकता है थोड़ा इंस्टॉल होने में। इंस्टॉलेशन पे ये ज्यादा टाइम लेगा, उसकी वजह ये है कि मैंने इसे पहले मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल था, मैंने अनइंस्टॉल किया है ताकि आपको बता सकूं कि किस तरह से इंस्टॉल हो सकता है ऑफिस या कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर। लेकिन ये बेसिक इतना टाइम नहीं लेता, तकरीबन 4 से 5 मिनट लेगा। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है अभी इसकी, ये आपके सामने ये स्क्रीन अपेयर हो जाएगी। आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिंपल नीचे क्लोज पे क्लिक कर देना। जैसे ही आपका कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वो नीचे ये साइड पे विंडो का बटन होता है लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन है, तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे
ये आपके कंप्यूटर में जितने भी प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर हैं ये सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये देख ले, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑप्शन आ गया इधर। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ऑफिस के आगे जितने भी एप्स हैं वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, एक्सेल है, इन्फोपार्ट डिजाइनर है, ठीक है। हमने सिर्फ इसमें दो चीज़ें करनी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल, ये दो चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अभी इसको वर्ड को या एक्सेल को ओपन किस तरह करना है ये देख लें, वर्ड के बारे में देख लें। पहले आपने सिंपल क्लिक करना है विंडो पे, ऑल प्रोग्राम पे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इस पे क्लिक करें। यहाँ से देखें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस जगह पे आ गया, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। ये वर्ड हमारे सामने एमएस वर्ड ओपन हो गया। एक तरीका इसका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप सर्च में जाएं, यहाँ पे सर्च में यहाँ पे लिख दें एमएस वर्ड या अकेला वर्ड लिख दें या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख दें, ये सबसे ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। सर सच में ये विन वार्ड नहीं होगा? नहीं, वो मैं बताता हूँ अभी। तीसरा तरीका ये है कि कंप्यूटर की एक रन कमांड होती है, विंडो का बटन होता है आप कीबोर्ड पे, आपने विंडो का बटन प्रेस करना है, साथ आर प्रेस करना है। विंडो आर प्रेस करेंगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये मैं स्क्रीन के दरमियान में ले आता हूँ, ये आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें हमने की लिखनी होती है, हर सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी की होती है, हर एप्लीकेशन की अपनी की होती है। यहाँ पे एमएस वर्ड की है विन वर्ड, WIN विन, WORD वर्ड, ये लिख के आपने यहाँ पे ओके पे प्रेस कर देना या कीबोर्ड की मदद से एंटर प्रेस करना। जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहाँ पे आपके सामने एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। ये तीन तरीके एमएस वर्ड को ओपन करने के हैं। इसके अलावा आप जब आपने अपना एमएस वर्ड ओपन किया या कोई भी दूसरी फाइल ओपन की हुई है तो उसको आप यहाँ पे नीचे इधर राइट क्लिक करें, यहाँ पे आ गया पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार, यहाँ पे आप इसको पिन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसे पिन कर देता हूँ, ऊपर से मैं अपनी फाइल को ख़त्म करता हूँ, तो ये नीचे वर्ड का ऑप्शन आ गया यहाँ पे टास्क बार पे। इस तरीके से भी हम ओपन कर सकते हैं कोई भी न्यू फाइल, सिंपली यहाँ पे क्लिक करें आपके सामने आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। सर आपकी आवाज कब आ रही है? अब ठीक है आवाज? हाँ जी, अब ठीक है। अच्छा, सेम यही तरीका एक्सेल का है। आपने विंडो, यहाँ पे विंडो पे आना है, ऑल प्रोग्राम पे जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके आप यहाँ से एक्सेल देख के उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ से ये ओपन कर लिया मैंने। सेम इसी तरह सर्च में जाके एक्सेल लिख के यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं इसे। और रन कमांड के जरिए जिस तरह विन वर्ड लिख के एमएस वर्ड को ओपन किया है, इस तरह एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए एक्सेल लिखेंगे, EXCEL एक्सेल, ये लिख के एंटर प्रेस करें, एमएस एक्सेल आपके सामने ओपन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में ऑफिस का इंस्टॉल होना लाजमी है, उसके बगैर ये कमांड आपकी काम नहीं करेगी। सेम इसी तरह इसको हम नीचे पिन भी कर सकते हैं, टास्क बार पे राइट क्लिक करें और पिन टू टास्क बार कर दें, यहाँ पे ये नीचे पिन हो जाएगा। यहाँ से सिंगल क्लिक करके हम इसे ओपन कर सकते हैं। अभी इसके बारे में किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है अभी। सर ये पिन और मैक्सिमाइज करने की कोई शॉर्टकट की भी होती है? सर नहीं, पिन करने की शॉर्टकट की नहीं होती, कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन कर लें बस उसे राइट क्लिक करके पिन कर अगर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे पास यूएसबी में हो तो उनको कैसे कॉपी करेंगे? सर यूएसबी अगर में हो हमारे तो आप पास सिंपल यूएसबी अपनी लगाएं कंप्यूटर के साथ, यूएसबी में हो सॉफ्टवेयर तो जिस फिर तरह कैसे मेरी यह होगा? ड्राइव है इस तरह आपकी यूएसबी ड्राइव आ जाएगी, आप उधर से उसे ओपन करके इंस्टॉल कर सकते हैं।
अभी ये मेरे पास दूसरा सॉफ्टवेयर इनपेज का पड़ा है, मैं ये भी इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ आपको। ये डेस्कटॉप पे आ गया। सेम इसी तरह जी बिना गार की फाइल है, अगर आपके पास डायरेक्ट सॉफ्टवेयर की है तो आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर बिना गार की है तो आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है। ये एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन है यहाँ पे आपने इसे पाथ दे देना है, कोई भी जो भी पाथ आप देना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप का पाथ दे रहा हूँ, नीचे से आपने ओके कर देना है। एक्सट्रैक्ट होके आपकी फाइल आ जाएगी। ये मेरे इन पेज का सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ गया, ये मैं सामने ले आता हूँ। इसको भी सेम उसी तरीके से आपने इंस्टॉल करना है, डबल क्लिक करें एप्लीकेशन पे, यस कर दें। यहाँ से आपने नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ पे ये आपसे ब्राउज पूछेगा कि आप किस जगह पे अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं। इस चीज़ को आपने नहीं करना कुछ भी, आपने सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे ये पूछेगा कि आप यहाँ शॉर्टकट अपनी डेस्कटॉप पे क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, वरना सिंपली ये वैसे ही नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे ये तीन ऑप्शन पूछ रहा है। शॉर्टकट इन स्टार्ट मेन्यू में आप लाना चाहते हैं, क्विक लॉन्च आइकॉन लाना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे आइकॉन लेना चाहते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे चेक कर रहा हूँ डेस्कटॉप आइकन पे। इसका आइकन सामने हमारे पास डेस्कटॉप पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे अभी दो ऑप्शन है, विजिट प्रोडक्ट वेबसाइट और लॉन्च इन पेज 2 तक। आप इनको अनचेक कर देंगे तो आपका सॉफ्टवेयर सिंपल इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर साथ में लॉन्च भी हो जाए, मतलब ओपन हो जाए, तो आप इस पर चेक कर सकते हैं। इसको मैं फिनिश कर देता हूँ यहाँ से। ये सॉफ्टवेयर मेरा इंस्टॉल हो गया, ये इसका शॉर्टकट आ गया यहाँ पे, ये सामने मैं ले जाता हूँ। ये शॉर्टकट है इसका, डबल क्लिक करें इस पर, ओके कर दें, ये सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो गया। मजीद सवाल है किसी के इस बारे में तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी।